हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम बात करने वाले हैं हमारे जो हमारा चल रहा था क्लास ट्वेल्थ का, हमारा जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर रहे थे उसका। अब हम थर्ड मेथड पे पहुंच रहे हैं जो कि नेशनल इनकम का लास्ट मेथड है कैलकुलेशन का, दैट इज़ एक्सपेंडिचर मेथड। यानी कि आप खर्चा करके आप पता लगाओगे कि कितना कमाया गया है। जी हाँ, खर्चा करके आप पता लगाओगे कि कितना कमाया गया है, कैसे। तो देखो, तीन मेथड थे। ट्रिपल आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी पहले, कि आपका जो वैल्यू एडेड है वो कर लो, या फिर इसके इक्वल आप रख लो किसको, आप रख सकते हो आपकी इनकम को कि आपके ने कितना कमाया है, इसके इक्वल आप रख सकते हो आपने कितना खर्चा किया। तो सबसे पहले एक अजम्पशन जो कि आपके वन वर्ड में आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है वन वर्ड में या फिर कैसे भी, ये अजम्पशन है कि जब आप एक्सपेंडिचर मेथड को लेते हो तो ये माना जाता है कि सेविंग आपकी क्या है, ज़ीरो है। यानी कि कुछ भी आपने सेव करके अपने घर में नहीं रखा है, जितना भी आप लोगों ने कमाया है, जितना भी कंज्यूमर ने मतलब हाउस होल्ड ने कमाया है, वो सारा ही हाउस होल्ड का खर्चा, वो सारा ही एक्सपेंडिचर बन जाएगा। यानी कि अगर 500 रुपये कमाए गए हैं तो उनमें से 50 रुपये भी घर के अंदर सिर्फ इसलिए नहीं रखे हैं कि गुल्लक में रख दिए, ना तो उस पर इन्वेस्टमेंट आ रहा है, ना उस पर इंटरेस्ट लग रहा है, ना कुछ लग रहा है। यानी कि ना तो ये कहीं इन्वेस्ट हुए हैं, ना इस पर कहीं से इंटरेस्ट आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, बस 50 के 50 अलग रखे हैं, ठीक है। ना खर्चा हुआ, ना कुछ गुड प्रोड्यूस हुए इसके आगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं होता। क्या होता है फिर, ये 50 रुपये भी मार्केट में आते हैं, यानी कि 500 के 500 रुपये दोबारा से मार्केट में आएगा जब ये जो हाउस होल्ड है ये खर्चा करेंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड भी कहते हैं, कि या तो जितना भी पैसा आया, जितनी भी इनकम आई किसी भी हाउस होल्ड की, या तो उसे वो एज अ कंज्यूमर बन के कंजप्ट कर लेगा, यानी कि ले लेगा, या फिर एज अ प्रोड्यूसर बन के दोबारा से इन्वेस्ट कर देगा, ठीक है। तो उसे कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड भी कहते हैं। इसके अलावा तीसरा नाम इसका क्या दे रखा है, इनकम एंड डिस्पोजल मेथड। इनकम डिस्पोजल मेथड यानी कि इनकम को कहाँ उन्होंने डिस्पोज किया, कहाँ पर उन्होंने यूज़ करा, यूटिलाइज किया, या फिर कहाँ पर उसे मतलब ख़त्म किया, जैसे भी है, कंज्यूम कहाँ करा, तो इनकम डिस्पोजल मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड कह लो, कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड कह लो, या फिर इनकम डिस्पोजल मेथड कह दो, बात आपकी सेम ही है। इससे निकल के क्या आता है, GDP MP निकल के आता है। ग्रॉस क्यों निकल के आता है, देखो ग्रॉस निकल के आएगा क्योंकि आप खर्चा करोगे किसी चीज़ पर, ठीक है। तो इस पर क्या इन्वॉल्व होगा, कि आपने गुड्स एंड सर्विसेज खरीदे, जब आपने गुड्स एंड सर्विसेज खरीदे होंगे तो उस पर कहीं ना कहीं डैप होगा, तो इसलिए आप जो आपका ग्रॉस है वो माना जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ क्या है, वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट माना जाता है। डोमेस्टिक क्यों, क्योंकि आपके घरेलू अंदर यानी देश के अंदर जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं आप उसे मान रहे हो, आपने जो खर्चा करा देश के अंदर कितना करा आप उसे लोगे। अभी आपको वो जो आपका प्रोसीजर है यानी कि जो आपका फॉर्मूला होगा उसमें भी आपको पता चलेगा। फिर आपने मार्केट प्राइस पर क्यों लिया, अब देखो जब आप कहीं खर्चा करोगे तो आपको तो चीज़ें मार्केट प्राइस पर मिलेंगी ना, इस पर थोड़ी ना मिलेंगी जिस पर वो बनी थी। FC तो आपको वैल्यू एडिड में मिल रहा था, ना जब आपने प्रोड्यूसर एज अ प्रोड्यूसर प्रोड्यूस किया था तब आपने सारी चीज़ें फैक्टर कॉस्ट के अकॉर्डिंग देखी थी, बट अब आप मार्केट में खरीदने जा रहे हो तो ये क्या है, मार्केट प्राइस पे है, ठीक है। और आपको पता है हमारा नेशनल इनकम क्या है, NNPFC है, तो आपको अल्टीमेटली क्या करना है, GDP MP को फाइनली NNPFC में चेंज करोगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नेशनल इनकम निकालो, अगर किसी और एग्रीगेट को पूछ लिया गया है तो GDP MP से आप उस वाले एग्रीगेट में निकाल लोगे चीज़ें जो भी है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, क्लासिफिकेशन कैसे हुआ है फाइनल एक्सपेंडिचर का। याद रखना, हमेशा एक्सपेंडिचर किस पे माना जाओगे, फाइनल पे ही करोगे। क्यों, अगर मान लो आपने इंटरमीडिएट वाले पे खर्चे वाले को ऐड कर दिया, ठीक है, उसके बाद फाइनल वाले को भी ऐड कर दिया, तो क्या होगा, इसमें यहाँ तो डबल काउंटिंग हो गई, ऊपर से इसकी क्वांटिटी कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट वाले पोर्शन में भी जाएगी, कि इन्वेस्टमेंट में जो खर्चा हुआ है, ठीक है, और आपने वैसे भी एक्सपेंडिचर पे कलेक्ट कर लिया, यानी कि उसे इंक्लूड कर लिया, तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर देखेंगे कौन कौन सी चीज़ें फाइनल एक्सपेंडिचर को ही कैलकुलेट करते हैं। पहला है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, कि प्राइवेट सेक्टर ने कितना कंज्यूम किया है। जब आपने फर्स्ट चैप्टर में बिल्कुल जब सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा था, तब हमने देखा था कि कैसे कैसे इकोनॉमी के जो फैक्टर्स हैं वो डिवाइडेड है, एक तो आपका हाउस होल्ड, ठीक है, आपका प्रोड्यूसर, आपकी गवर्नमेंट और आपके जो NGOs वगैरह होते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वो मतलब उन्हीं में इकोनॉमी पूरी डिवाइड होती है, ठीक है। तो उसी अकॉर्डिंग हम पूरा देख रहे हैं कैसे। पहली बात तो फाइनल जो आपके प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है उसी में कहीं ना कहीं हम NGOs को ले लेते हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है वो कहीं ना कहीं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। तो अब देखो, हमने देख लिया प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ठीक है। इसके बाद हम जो बात कर रहे हैं वो है गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर का। आप देखो, एक तरफ से हमने देख लिया प्राइवेट, प्राइवेट में हमने देख लिया NGOs को भी ऐड कर लिया था आपका, यानी कि एक तरह से हाउस होल्ड सेक्टर आपका पूरा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आपका हाउस होल्ड सेक्टर, फिर आपने देख लिया गवर्नमेंट का फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, कि गवर्नमेंट ने कितना खर्चा किया है। गवर्नमेंट का खर्चा कहाँ कहाँ हो सकता है वो अभी हम डीपली पढ़ेंगे, ठीक है, हमें समझ में आएगा कैसे कैसे। उसके बाद तीसरा तरीका है आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, यानी कि एज अ प्रोड्यूसर अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो एज अ हाउस होल्ड करा यहाँ पर ऐड हो गया, ठीक है, एज इन गवर्नमेंट सेक्टर करा आपका यहाँ ऐड हो गया, एज एन प्रोड्यूसर करा आपने यहाँ ऐड कर लिया, ठीक है। और उसके बाद आप एक करोगे एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, यानी कि जो आपका नेट एक्सपोर्ट है, अब इसका क्या कंसेप्ट है वो भी अभी हम डीपली पढ़ेंगे आगे। तो देखो, एक एक करके सब पे निगाह डालते हैं, नजर डालते हैं। तो पहला क्या है,
प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है? पहली बात तो इसे सी से डिनोट करते हो, अभी जब आप आगे भी कैलकुलेशन करोगे बहुत सारी तब आपको ये ध्यान रखना भी है, ठीक है, कि ये सी से डिनोट होता है क्या, जो आपके कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। जब आप सी की बात कर रहे हो तो ये क्या होता है, हाउस होल्ड ने करा हो सकता है या फिर नॉन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ने करा हो सकता है, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट कंज्यूमर क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज को लिया जाता है, यानी कि कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज को लगातार लिया जाता है, ठीक है। इसमें क्या क्या हो सकता है, या तो आप गुड्स एंड सर्विसेज को जब हम बांटते हैं, एक तो के सर्विसेज, एक तो आपने या तो कंज्यूमर सर्विसेज ली होंगी, ठीक है, इसके साथ साथ क्या होगा, या फिर आपने गुड्स लिए होंगे, और गुड्स भी कैसे होंगे, या तो ड्यूरेबल गुड्स होंगे या फिर नॉन ड्यूरेबल गुड्स होंगे, दो ही तरह के गुड्स होंगे, सेमी ड्यूरेबल भी मान सकते हो, यानी कि किसी भी तरह के गुड्स, भले ही वो नॉन ड्यूरेबल हो, ड्यूरेबल हो, कुछ भी है, वो सारे गुड्स, ठीक है। अब इनमें और क्या क्या इंक्लूड होता है, क्या क्या नहीं इंक्लूड होता है, वो हम वैसे तो प्रिकॉशंस में भी पढ़ेंगे। तो बेसिकली क्या होता है, अगर मान लो कोई बिल्डिंग है, ठीक है, वो ऑनर की ही बिल्डिंग है, तो उस पर भी रेंट चढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर भी कंजप्शन एक्सपेंडिचर माना जाता है, ठीक है, वो इंक्लूड होता है। अगर आप ऑन कंजप्शन के लिए खुद ही कंज्यूम कर रहे हो, जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे हो खुद ही कंज्यूम कर लिया, तो उसमें भी कहीं ना कहीं ये है कि अगर आप उसे बाहर से खरीदते हो तो आप उसमें एक्सपेंडिचर करते हैं, आपने वो अपना यूज कर लिया तो वहां का भी एक्सपेंडिचर आप जोड़ दे हो, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज उसमें इन्वॉल्व हो रही है, ठीक है। इसके साथ साथ क्या है कि अगर अब्रॉड से आपने कोई कंज्यूम किया है, हमने वो अब्रॉड वाला पॉइंट यहां पर क्यों नहीं लिया है, क्योंकि हम एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, जो आपका नेट एक्सपोर्ट वाला पॉइंट है ना, जो फोर्थ पॉइंट अभी हमने ऊपर देखा है, हम उसमें भी वो इंक्लूड करेंगे, तब मैं आपको पूरा बताऊंगा। वैसे जो हमारे हाउसहोल्ड सेक्टर है वो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट में भी इन्वॉल्व हो सकता है, वो अभी हम बात करेंगे कैसे, ठीक है। इसके अलावा सेकेंड हैंड गुड्स की अगर बात है तो वो ज्वाइन नहीं होती है, आपने पहले भी देखा है क्यों नहीं ज्वाइन होती है, क्योंकि जब वो बने थे सेकेंड हैंड गुड्स, ठीक है, तभी उसकी जो अमाउंट थी वो नेशनल इनकम में इन्वॉल्व हो गई थी, ठीक है। तो अगर अब भी इंक्लूड कर लेंगे तो फिर डबल काउंटिंग होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो ये वैसे प्रिकॉशंस में आने थे, बट ठीक है, कंजप्शन के साथ हमने इसलिए पढ़ लिया कि क्या क्या कंज्यूम किया जाता है, क्या क्या नहीं किया जाता है, उस चीज़ की क्लैरिटी के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं, गवर्नमेंट कैसे कैसे खर्चा कर सकती है। तो गवर्नमेंट का वैसे तो कभी भी होगा तो कंबाइन ही एक्सपेंडिचर दिखाया जाएगा, ठीक है। इसमें जो इनकी इन्वेस्टमेंट होगी वो ज़्यादातर नहीं दिखाई जाती है, वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में ग्रॉस के साथ एक साथ जुड़ जाती है, वो हम इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। तो देखो क्या क्या है, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट चीज़ों को इंपोर्ट करा सकती है बाहर से, ठीक है। अब्रॉड से गवर्नमेंट क्या कर सकती है, चीज़ों को इंपोर्ट करा सकती है। अब चीज़ें इंपोर्ट करवाई यानी कि हमारा पैसा कहाँ गया, बाहर गया, ठीक है। चीज़ें इंपोर्ट करवाते ही हमारा पैसा कहाँ गया, बाहर गया, तो गवर्नमेंट का जो ये वाला बाहर जाने वाला सर्कुलेशन होगा वो हम जोड़ते हैं एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट वाले पॉइंट में, जो हम फोर्थ में भी हम बात करेंगे कंबाइनली, ठीक है। तो अभी आप उस पर छोड़ दो, अभी ये सिर्फ क्या है, ये कैलकुलेशन के लिए नहीं है। कभी आप कहो कि मैंने यहाँ पे भी बढ़ा दिया अब्रॉड वाला और हम एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट में तो पढ़ेंगे ही अब्रॉड वाला, तो ये काउंटिंग की बात नहीं है, ये सिर्फ आपको बता रहे हैं कि गवर्नमेंट कहाँ कहाँ खर्चा कर सकती है। आपको कंसेप्ट समझा रही हूँ कि या तो गवर्नमेंट कुछ इंपोर्ट करवा सकती है हमारे लिए, या फिर वो इंटरमीडिएट कंजप्शन में कुछ भी चीज़ लगा सकती है, खर्चा कर सकती है, अपने इंप्लॉयज़ को वो पैसा देती है वहाँ पर गवर्नमेंट का खर्चा होता है, और जो फिक्स कैपिटल को कंज्यूम किया जाता है, कहीं ना कहीं जो डेप्रिसिएशन वाला चीज़ें आती हैं, जैसे मान लो कोई बिल्डिंग है, ठीक है, उसे रिनोवेट करवाना है क्योंकि कई सालों से बने 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 उसमें कुछ खराबी आ चुकी है, तो वो डेप्रिसिएशन गवर्नमेंट अपने पैसे से लगाती है, खर्चा करती है। तो गवर्नमेंट का खर्चा अगर आप लोगों को बताना है कहाँ कहाँ होता है, तो इन सारी चीज़ों में होता है, बाकी आपके सोशल वेलफेयर में तो होते ही है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। बट हाँ, वो ट्रांसफर पेमेंट है तो आप उसे ऐड मत करना कहीं भी ट्रांसफर पेमेंट को, क्योंकि ट्रांसफर पेमेंट क्या है, आपने क्या करा, कमाया तो थोड़े से गुड्स एंड सर्विसेज थे, उसके बाद आपने गवर्नमेंट को ट्रांसफर पेमेंट कर दिया, ठीक है, जो आप टैक्स वगैरह देते हो। फिर गवर्नमेंट अगर किसी को जॉब देते हुए उसका यूज़ कर लिया तो आप वहाँ पर इंक्लूड कर सकते हो, उससे पहले इंक्लूड नहीं करोगे। तो इन शॉर्ट क्या है कि आपको इसकी टेंशन नहीं लेनी है, गवर्नमेंट का सिर्फ एक ही टाइटल दे रखा होगा, न्यूमेरिकल में एक ही जगह नाम दे रखा होगा, तो आपको एज इट इज उसे ऐड कर देना। अगर कहीं कॉम्प्लिकेशन आएंगे तो मैं अभी बता दूंगी आपको, ठीक है। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की हम बात करें तो इन्वेस्टमेंट दो तरीके के होते हैं, वो आपने पहले भी पढ़ा था। या एक तो होता है आपका फिक्स इन्वेस्टमेंट, कि आपने क्या करा, एक मशीन खरीद ली, वो सालों साल चल रही है, ठीक है, वो आपका क्या हो गया, फिक्स इन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक है। एक होता है आपका इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट जैसे आपके रॉ मटेरियल पर लग गया, ठीक है, आपके प्रोडक्शन पर लग गया, छोटे मोटे कुछ चेंजेस पे, उन सब पे, ठीक है। तो क्या है फिक्स इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, इन्हें आप अलग अलग ऐड करते हो, ठीक है। कैसे, कि इन्वेस्टमेंट को आप दो पार्ट में कर सकते हो, एक तो फिक्स इन्वेस्टमेंट हो गया और एक इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट हो गया। और अब देखो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, ये पूरी इकोनॉमी के इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, कोई भी सेक्टर करे, कौन कौन सा सेक्टर कर सकता है आपका, ठीक है। या तो आपका बिजनेस का फिक्स इन्वेस्टमेंट हो सकता है, बिजनेस का यानी कि जो आपका प्रोड्यूसर सेक्टर है वो उस चीज़ को मतलब प्रोड्यूस कर रहा है तो उसलिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है, या फिर बीइंग एन हाउस होल्ड आप फिक्स इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जैसे आपने कोई घर बनवाया, ठीक है, अपने खुद के रहने के लिए उस पर खर्चा हो सकता है, या फिर गवर्नमेंट आपके लिए फिक्स इन्वेस्टमेंट कर सकती है कि कोई भी पुल वगैरह बनवा दिए, रेलवेज बनवा रही है, तो वहाँ फिक्स इन्वेस्टमेंट कर दिया है, ठीक है। तो अब याद रखो एक चीज़ यहाँ पर, ये चीज़ याद रखने वाली क्या है, कि अगर फिक्स इन्वेस्टमेंट दे रखा है, ठीक है, और उसमें भी ग्रॉस फिक्स इन्वेस्टमेंट दे रखा है, तो हर सेक्टर
फिक्स इन्वेस्टमेंट यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएगा, भले ही वो कोई भी सेक्टर इंक्लूड कर रहे हों, ठीक है। तो इसीलिए हमने जो ऊपर गवर्नमेंट लिया, गवर्नमेंट का यहाँ पे सिर्फ हमने कंजप्शन एक्सपेंडिचर लिया कि उसने कितना कंज्यूम करने के लिए खर्चा किया। अभी एज अ प्रोड्यूसर उसने कुछ इन्वेस्ट नहीं किया, एज अ प्रोड्यूसर कहाँ उसके इन्वेस्टमेंट इंक्लूड कर रहे हैं हम, ओवरऑल इन्वेस्टमेंट में इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। और एज अ हाउस होल्ड भी हमने सिर्फ जो कंज्यूमर गुड्स है ना, कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, सिर्फ उसे इंक्लूड करा है। एज अ हाउस होल्ड भी जितना भी हमारा इन्वेस्टमेंट पर खर्चा हो रहा है वो हमने यहीं पर ऐड करा है। तो इन्वेस्टमेंट में तीनों सेक्टर के इन्वेस्टमेंट को हमने ऐड कर लिया है, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट क्योंकि दो तरह की होती है, एक तो आपकी फिक्स इन्वेस्टमेंट होगी और दूसरी तरीके क्या है, आपकी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट जो आप चैप्टर फर्स्ट से और पहले के न्यूमेरिकल से निकालते हुए आए हो वो होता है चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, कि क्लोजिंग के टाइम के आप पे आपके पास कितना था उनमें से माइनस कर दो कि ओपनिंग के टाइम पे आपके पास कितना था, ठीक है। मान लो क्लोजिंग के टाइम पे आपने आप 150 के स्टॉक पे पहुंच चुके हैं, 150 लाख के या कुछ भी समझ लो, और ओपनिंग के टाइम पे सिर्फ 100 का था, तो आपने इन्वेंट्री स्टॉक कितना आया, आपके आपने इंक्रीमेंट कितने का करा, सिर्फ 50 का करा है, ठीक है। तो 150 माइनस 100 कर दोगे आप, 50 आ जाएगा आपका इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो आपने बात कर ली इन्वेस्टमेंट की, हो गई, या तो आप इन्वेस्ट करते हो या फिर आप अपने खर्चे पे यूज करते हो, वो सब आपने इंक्लूड कर लिया। कहाँ कहाँ आप खर्चा कर सकते हो वो इमेजिन करो, और वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाती हैं, ठीक है। अब हमने ये चीज़ें देख ली डोमेस्टिक की। एक होता है नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट की क्या बात है, एक्सपोर्ट क्या होता है और इम्पोर्ट क्या होता है, थोड़ा डीपली डिस्कशन करते हैं हम, ठीक है। मान लो ये आपकी कंट्री है और ये आपकी अब्रॉड कंट्री है, ठीक है, समझ लिया, कुछ भी समझ लो, जैसे ऐसे ये आपका देश हो गया, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे ही, ठीक है, और ये आपकी कोई भी कंट्री है, ठीक है, दूसरी कंट्री है। अगर आपको एक्सपोर्ट करने हैं, यहाँ से आपने गुड्स लिए अपने, इस यहाँ पे बेचे, जैसे ही आपने एक्सपोर्ट किया यहाँ से आपकी इनकम आई, ठीक है, तो आपके एक्सपोर्ट करने की वजह से आपके नेशनल इनकम में इंक्रीमेंट हुआ, तो आपका एक्सपोर्ट तो क्या हो जाना चाहिए, ऐड हो जाना चाहिए, क्योंकि वो आपके नेशनल इनकम को बढ़ाएगा, ठीक है। लेकिन एक्सपोर्ट को ऐड करने के साथ आपको इंपोर्ट को माइनस भी करना पड़ेगा। अब इंपोर्ट क्या होता है, ऐसे सिर्फ इनकम आती नहीं है, हमारी इनकम जाती भी है, तो हमने जितना इंपोर्ट कराया यानी कि हमने जितना सामान मंगाया और उसके बदले हमारा जो पैसा दूसरे देश में गया, ठीक है, जो कहीं से कहीं तक भी जो एक्सपेंडिचर आपके नेशनल इनकम में ज्वाइन नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि आपकी इनकम बल्कि बाहर जा रही है, तो आप क्या करोगे, इसमें से इंपोर्ट को माइनस कर दोगे, ठीक है। तो इसलिए जो नेट एक्सपोर्ट है, नेट एक्सपोर्ट में आता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, यानी कि जितना आपने एक्सपोर्ट किया उतना प्लस करके जितना आपने माइनस करा उतना, मतलब जितना आपने इंपोर्ट किया उतना माइनस कर दो। तो नेट एक्सपोर्ट्स अगर दे रखा है तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, आपको नेट एक्सपोर्ट ऐसे ही प्लस कर देना है। लेकिन अगर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट अलग अलग दे रखे हैं तो आपको इसे नेट एक्सपोर्ट बनाना है, यानी प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ठीक है, समझ में आ गया आपको। यहाँ पे इंपोर्ट के लिए आई क्यों नहीं यूज करा, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट के साथ मिक्स कर दोगे इसलिए, और एम इसलिए क्यों यूज करा, क्योंकि इंपोर्ट का एक दूसरा सब्स्टिट्यूट में आपको सिंबल दे दिया, ठीक है। तो हमें समझ में आ गया हमारी चारों चीजें क्या है। इस बेसिस पे अब हम अपना फॉर्मूला अगर निकालें तो क्या बनता है, हमारा बेसिकली फॉर्मूला इतना सा बनता है, ठीक है, जिसे मैंने एक्सपांड करके नीचे तक आपको दिखा रखा है, जिससे आप डर गए होंगे, लेकिन डरना मत, बहुत ही सीधा है, अभी समझा देती हूँ आपको सब कुछ। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर हो गया, या तो आपने एज अ कंज्यूमर एक्सपेंड किया तो आपने प्राइवेट का ऐड कर दिया, ठीक है, जिसमें आपके एनजीओज भी ऐड है। गवर्नमेंट ने एज अ कंज्यूमर कर लिया, ठीक है, खर्चा। इसके अलावा एज एन प्रोड्यूसर आप लोग इन्वेस्ट करोगे, भले या फिक्स करो या फिर आप कौन सा करो, इन्वेंट्री करो। फिर नेट एक्सपोर्ट, ये तो डोमेस्टिक खर्चा हो गया, ये भी डोमेस्टिक खर्चा हो गया, ठीक है। इन्वेस्टमेंट आप कहीं भी करो, अगर आपने इन्वेस्टमेंट करी है, खासकर डोमेस्टिक की बात करेंगे हम, और नेट एक्सपोर्ट आपने इसमें ज्वाइन कर लिया, यानी कि जो इनकम आपके में इंक्लूड हो रही है, इसलिए डोमेस्टिक ही बना रहा, क्योंकि क्या करा आपने, एक्सपोर्ट को प्लस कराया, इंपोर्ट को माइनस कराया, तो अल्टीमेटली डोमेस्टिक इनकम ही बनी रही है, क्योंकि आपके ही गुड्स जा रहे हैं इसलिए, ठीक है। तो अब क्या है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर एज इट इज ले लिया, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर एज इट इज आ गया। अब हमने इन्वेस्टमेंट को तोड़ दिया। इन्वेस्टमेंट दो तरह की हो सकती है, ठीक है, एक तो हो सकती है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, और एक हो सकती है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, यानी कि एक तरह से एक हो सकती है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और एक हो सकती है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। और इसमें भी ध्यान रखना, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। अगर आपने ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की बात करिए तो यहाँ पे कहीं ना कहीं डेप्रिसिएशन ऐड है, इसलिए आपका GDPMP बना। लेकिन कुछ न्यूमेरिकल में जान पूछ के ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की जगह नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट दे देंगे, तो याद रखना फिर यहाँ पे GDPMP नहीं बल्कि NDPMP बन जाएगा। समझ में आया? तो जो मैं आपको बताई थी ना, ये ग्रॉस का जी क्यों आ रहा है, ग्रॉस का जी आ रहा है क्योंकि इन्वेस्टमेंट लग रही है, और इन्वेस्टमेंट लग रही है तो कहीं ना कहीं डैप भी लग रहा है, और क्योंकि यहाँ पे डैप लग रहा है आपका, इसलिए ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है, यानी कि
देश में रहने वाले किसी भी बंदे ने, भले ही गवर्नमेंट ने, हाउस होल्ड ने या फिर प्रोड्यूसर ने अगर इन्वेस्टमेंट करी है तो वो सारी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे इंक्लूडेड है, आपको पता है, मैंने आपको ऊपर बता दिया था। लेकिन ये ग्रॉस डोमेस्टिक है इसलिए यहाँ GDP MP है, लेकिन अगर बाई चांस किसी न्यूमेरिकल में नेट डोमेस्टिक हुआ तो आप वो NDP MP बनाओगे, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। तो हमें समझ में आ गया इन्वेस्टमेंट को हमने फर्दर तोड़ा है ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट में और दूसरा है इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट में, इन्वेंटरी जो आपका चेंज इन स्टॉक होता है, ठीक है। नेट एक्सपोर्ट को आपने फर्दर तोड़ा है एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट में और कुछ भी आपका बदलाव नहीं हुआ है, ठीक है। इसके आगे देखो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर एज इट इज है, गवर्नमेंट का गवर्नमेंट है, ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स इन्वेस्टमेंट को मैंने आपको फिर से तोड़ के बता दिया, एक तो बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट यानी कि जो प्रोड्यूसर सेक्टर ने करा होगा या फिर जो गवर्नमेंट ने करा होगा या फिर एज एन हाउस होल्ड जो आपने जैसे अपने घर के कंस्ट्रक्शन में खर्चा कर दिया ऐसे, ठीक है। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट तो आप ऐसे ही ऐड कर लोगे शायद मैं, हाँ इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को भी मैंने खोल के आपको बता दिया, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक या आपका इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है। एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, वो आपने एज इट इज ऐड कर लिया है। तो अल्टीमेटली आपका फॉर्मूला है यही, इसको खोल के मैंने बता दिया है ये और इसका एक खोल के रूप हो गया ये, आप कुछ भी याद रखो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको याद रहेगा, ठीक है। तो इन शॉर्ट यानी कि इन डीप और बोल्ड करके पढ़ लेते हैं सेम चीज़ को, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस कर दिया, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऐड कर दिया, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट आपने ऐड कर लिया और इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट आपने ऐड कर लिया, नेट एक्सपोर्ट आपने ऐड कर लिया, बन गया आपका GDP MP। ग्रॉस मैंने क्यों हाईलाइट कर रखा है क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि अगर ग्रॉस है तो GDP MP है, अगर बाई चांस किसी क्वेश्चन में यहाँ नेट दे दिया तो ये NDP MP बन जाएगा, याद रखना, ठीक है। अगर हमने GDP MP निकाला है तो GDP MP को आपको नेशनल इनकम में चेंज करना ज़रूरी है। आप जब किसी भी चीज़ को नेशनल इनकम में चेंज करोगे तो ठीक है, स्टेप बाय स्टेप फिर से पढ़ते हैं। आपको ग्रॉस को करना है नेट में, नेट यानी कि समथिंग समथिंग माइनस, कुछ माइनस हो रहा है, ठीक है। ये छेद जो है, ठीक है, इन छेद को निकालोगे तो डेप्रिसिएशन को माइनस ही करोगे, आपको पता है। फिर डोमेस्टिक को आपको निकालना है, चेंज करना है नेशनल में। डोमेस्टिक को जब आप नेशनल में चेंज करते हो तो फिर से याद कर लो आप क्या करते हो, डोमेस्टिक से नेशनल यानी कि आपके लिए अब लोग मैटर करेंगे, ठीक है। डोमेस्टिक से नेशनल तो नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो आपके लोगों ने भी कमाई है आप उसे ऐड कर दोगे, और नेट फैक्टर इनकम है फ्रॉम अब्रॉड कहने का मतलब क्या है कि जो भी नॉन रेजिडेंट ने कमाई है आपके यहाँ वो माइनस हो रहा है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के अंदर ही, ठीक है, और प्लस हो रहा है जितना भी बाहर से आया है। अगर ये दोनों अलग अलग दे रखे हैं यानी कि नॉन रेजिडेंट की कमाई अलग से दे रखी है आपके देश में, जो नॉन रेजिडेंट ने कमाया वो अलग से दे रखा है और जो आपके लोगों ने बाहर से कमाया वो अलग से दे रखा है, तो आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड पहले निकालोगे। कैसे निकालोगे, जो आपके नॉन रेजिडेंट वाले इनकम है उसे माइनस करके और अब्रॉड वाले इनकम को प्लस करके, ठीक है। और अगर आपको कंबाइन एग्रीगेट दे रखा है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड तो आपको बिना सोचे समझे उसे प्लस कर देना है, क्योंकि आपको डोमेस्टिक से नेशनल में चेंज करना है, ये तो आपको पता है ही, ठीक है। फिर हमने बात करी थी कि ये मार्केट प्राइस पे होगा क्योंकि आपने खर्चा कर रहे हो तो मार्केट प्राइस पे ही खर्चा करोगे, और आपकी नेशनल इनकम तो फैक्टर कॉस्ट पे ही होगी कि कितना गुड्स एंड सर्विसेज बना वही तो हमारे लिए मैटर करता है। तो फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए आपको माइनस करना होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, आपको पता ही है, और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को अगर आप तोड़ोगे आपका मन करे से तोड़ने का तो क्या होता है, टैक्सेस को कर देते हो आप माइनस क्योंकि जब आपने फैक्टर कॉस्ट लगाई थी तब आपने टैक्सेस का खर्चा नहीं किया था, और सब्सिडीज को कर देते हो प्लस क्योंकि आपको तब तक गवर्नमेंट से सब्सिडी का फायदा भी नहीं मिला था, ठीक है। तो टैक्स को माइनस और सब्सिडी को प्लस करके मिल जाता है आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, और ये माइनस में है, क्यों है, क्योंकि आप मार्केट प्राइस से कहाँ जा रहे हो, फैक्टर कॉस्ट में जा रहे हो, ठीक है। हमें आ चुका है समझ में ये वाला पूरा कंसेप्ट, फॉर्मूला हमने देख लिया है। अब प्रिकॉशंस क्या क्या लेने हैं, प्रिकॉशंस देख लीजिए जो मैंने थोड़ी बहुत आपको पहले भी बता दिए हैं, ऐसे नहीं है कि अब हम बिल्कुल ही स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो क्या है, फाइनल एक्सपेंडिचर को ही आपको ऐड करना है, बीच वाले एक्सपेंडिचर को आपको ऐड नहीं करना है, आपको समझ में आ गया। क्यों नहीं करना है, जब आप कंज्यूमर की फाइनल एक्सपेंडिचर कर रहे हो, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट वाला है मतलब जो आपका इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर है वो तो सब आपके इन्वेस्टमेंट में ज्वाइन हो जाएगी, वरना आप डबल काउंटिंग कर दोगे। सेकेंड हैंड गुड्स का क्या सीन है, सेकेंड हैंड गुड्स के जो खर्चे हैं आपको इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि जब वो बने थे उस टाइम ही उसमें ऐड हो गए थे, ठीक है, जब उसे फर्स्ट टाइम खरीदा गया था तभी ऐड हो गए थे, ठीक है। आप सर्विसेज को उसमें सर्विसेज को ऐड कर सकते हो, ठीक है, उस पर भी कोई खर्चा तो हो नहीं रहा, इनकम ही आ रही है तो आप उसे ऐड नहीं करोगे, ठीक है। शेयर्स एंड बॉन्ड्स का क्या सीन है, जब भी कोई शेयर और बॉन्ड खरीदे जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था एक कंपनी है, मान लो 5 करोड़ की कंपनी है, ठीक है, उसके शेयर्स 5-5% 10-10% बटे हुए हैं, ठीक है। तो शेयर और बॉन्ड में क्या हुआ है, जस्ट आपने क्या किया है कि एक पेपर के बॉन्ड खरीदे जाते हैं, ठीक है, एक पेपर ही तो होता है आपके पास कि आपके पास 5% शेयर है 10% शेयर है, तो कोई गुड्स एंड सर्विसेज तो इंक्रीज नहीं हुई, एक्सपेंडिचर मेथड है भाई, खर्चा कर रहे हो तुम, खर्चा कहाँ करोगे, उस पेपर पे थोड़ी ना इतना खर्चा कर रहे हो आप, गुड्स एंड सर्विसेज
पे इंक्रीज ही नहीं हुई, कौन सा खर्चा इंक्लूड करोगे? तो शेयर एंड बॉन्ड्स इस पे इंक्लूड नहीं होते हैं, ठीक है। उसके बाद किसी भी तरह की ट्रांसफर पेमेंट है, कोई भी स्कॉलरशिप है, ओल्ड एज पेंशन है, कुछ भी है, आप उसे इंक्लूड नहीं करोगे क्योंकि वो ट्रांसफर पेमेंट है, किसी भी फैक्ट्री इनकम से कमाया नहीं गया है। इसके अलावा जितनी भी इंप्यूटेड वैल्यू है सेल्फ कंजप्शन पे, यानी कि जो भी खर्चा आपने सेल्फ कंजप्शन पे करा है, ऑब्वियसली आप उसे एक्सपेंडिचर के अंदर इंक्लूड करोगे ही करोगे, ठीक है। वो हमें समझ में आ चुका है। अब हम आगे देख लेते हैं, हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं जिससे हमें सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो करते हैं अब हम एक न्यूमेरिकल अपना। तो क्या है आपको निकालना है? जीडीपी, मार्केट प्राइस पे भी और फैक्टर कॉस्ट पे भी। अभी इन्होंने इस क्वेश्चन में नेशनल इनकम निकालने के लिए नहीं बोला है, तो हम एनएनपीएफसी में अल्टीमेटली चेंज नहीं करेंगे, नो नीड टू चेंज इन एनएनपीएफसी, क्योंकि नेशनल इनकम इन्होंने कहा नहीं है। तो इन्होंने क्या कहा है हम वो लिख लेते हैं पहले, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। इन्होंने सबसे पहले ए पार्ट कहा है जीडीपी एमपी, ठीक है, हमें जीडीपी एमपी बनाना है, ठीक है। और हमारा बनता क्या है इससे जो हम निकालते हैं पूरा एक्सपेंडिचर मेथड से, आप बताओ, हमने अभी पढ़ा था क्या निकालता है? जीडीपी एमपी ही निकालता है। तो अल्टीमेटली पहले आपको सिर्फ जीडीपी एमपी निकाल देना है, कुछ और नहीं करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राइवेट कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, हमारे कंजप्शन एक्सपेंडिचर हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो देखो ये वाला जो आपका पॉइंट है नीचे, कौन सा पॉइंट है? ये आपका सिक्स्थ पॉइंट जो आपका दे रखा है, ठीक है, वो यही है। देख लेते हैं क्या है प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, 350, ठीक है। दूसरा हम ऐड करते हैं गवर्नमेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यही है जो आपका वो है कि उन्होंने कितना एज ए कंज्यूमर करा, ठीक है, 100 हो गया। प्लस आपका इन्वेस्टमेंट हम देखेंगे, और इन्वेस्टमेंट कैसे हो सकता है, अलग अलग भी मिल सकता है हमें, इन्वेंट्री और एज ए इन्वेंट्री भी मिल सकता है, फिक्स भी मिल सकता है, और बाकी टूटे हुए भी मिल सकते हैं। तो हमें है क्या, एक तो हमें दे रखा है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, एक साथ दे रखा है 90। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट के नाम पर हमें कुछ नहीं दे रखा है, देख लो आप, ठीक है, और कुछ नहीं है। तो क्या ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है, यानी कि इसमें हमने मान लिया कि इन्वेंट्री भी यही है आपका, ठीक है, जितना भी है, और क्या इसके अलावा जो आपका फिक्स है वो भी यही है। तो आपका 90 है, तो आपने 90 प्लस कर लिया इन्वेस्टमेंट। फिर आपको करना होता है नेट एक्सपोर्ट को प्लस, नेट एक्सपोर्ट यानी कि एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, ये भी आपको टोटली नेट एक्सपोर्ट ही दे रखा है 10, ठीक है, तो आप कर लोगे प्लस 10, ठीक है। अभी हमने कुछ भी नहीं करा है, जस्ट आपको फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ देखनी है क्या क्या दे रखा है, ठीक है, और इसी अकॉर्डिंग ऐड कर देना है। अगर हम इसे ऐड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 550, ठीक है, देख लो आप ऐड करके, 000, ठीक है, 9, 10, 15, 5, 1, 3, 4, 5, ठीक है, हमारे पास आ गया आंसर हमारा 550 का, 550 करोड़ हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब 550 करोड़ क्या है? जीडीपी एमपी है, ये याद रखना। वो अल्टीमेटली आपसे निकालने को कह रहा है कि आपको निकालना है जीडीपी एफसी, दूसरा जो पॉइंट है, ठीक है। तो ठीक है, जीडीपी एफसी, जीडीपी एमपी से जब हमें जाना होता है जीडीपी एफसी पर, तो हम क्या करते हैं, आपको पता है कि हमारा 550 आंसर था, तो फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, तो आप कर दोगे टैक्सेस को माइनस और सब्सिडीज़ को प्लस, और इसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस अल्टीमेटली ही दे रखे हैं, एक साथ ही दे रखे हैं, तो आपको तोड़ने की जरूरत नहीं है। तो आप क्या करोगे, माइनस का 5 करोड़, माइनस का 5 करोड़ करते ही आपके पास आंसर आ जाएगा 545 करोड़, ठीक है। तो हमारा आंसर इसका निकल चुका है 545 करोड़। कैसे निकाला? हर न्यूमेरिकल का सेम फंडा है, जो भी आपको निकालना है, ठीक है, या तो उस बेसिस पर देख लो कि आप कौन सा एक फॉर्मूला लगाओगे, या फिर जो जो आपके टर्म्स दे रखे हैं, यानी कि अगर मान लो यहाँ पे दे रखा है ये प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, यानी कि आप एक्सपेंडिचर मेथड लगाओगे। अगर यहीं पे इनकम होता, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ये सब, तो आप इनकम मेथड लगाते। अगर यहीं पे वैल्यू ऑफ आउटपुट, सेल्स, ये सब दे रखी होती, तो आप वैल्यू एडेड मेथड लगाते। तो ये कन्फ्यूजन की कौन सा मेथड लगाना है वो आपके क्लियर हो सकती है दो चीज़ों से, या तो ये देख लो कि क्या निकाला जा रहा है, और अल्टीमेटली तो इसी चीज़ से कि क्या क्या दे रखा है, ठीक है, आप इन्हीं चीज़ों की वो निकालते हो। जो भी आप फॉर्मूले यूज़ करोगे देख लेना कि मैक्सिमम चीज़ें किसकी दे रखी हैं, और अगर कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं दे रखी है तो आप हमेशा उसे जीरो ही मानते हो, वो आप याद रखना, माइनस जीरो या प्लस जीरो, जो भी आप मानो, ठीक है। ये आपकी चीज़ें समझ में आ गई, मैंने बता दिया ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है इसलिए जीडीपी एमपी हो रहा है। अगर यहाँ पे क्या होता, नेट इन्वेस्टमेंट होता, यानी कि डेप्रिसिएशन ऑलरेडी माइनस होता, तो एनडीपी निकलता, ये आप ध्यान रखना हमेशा। अगर नेशनल इनकम का क्वेश्चन है, नेशनल इनकम निकालना है, तो अल्टीमेटली आपको एनएनपीएफसी तक पहुँचना ही है, अगर नहीं दे रखा है तो। अगर ऊपर दे रखा होता कैलकुलेट नेशनल इनकम, ठीक है, और उन्होंने पर्टिकुलरली टर्म नहीं दे रखे कि एनएनपीएफसी में चेंज करो, तो मतलब एनएनपीएफसी तो मतलब यही होता है आपका नेशनल इनकम ही, तो आप नेशनल इनकम में निकालने के लिए एनएनपीएफसी में खुद से चेंज जरूर करके आओगे। इसके अलावा कोई भी क्वेरीज है आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो नेशनल इनकम ऑब्वियसली टिप्स पे हो जाएगा। वैसे तो कंसेप्ट की ही बात है, ऑलमोस्ट सारी चीजें क्लियर हो चुकी है। अगर कोई क्वेरीज हो तो आप कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं उसे जरूर किसी वीडियो में कंबाइन करके समझा दूंगी और आपको बता भी दूंगी कि वो समझाई जा चुकी है, ठीक है। यू मे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन, बाय बाय, एंजॉय एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।